जबलपुर के आधारताल के सोवापुर ब्रिज के पास हुई एक घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया है। एक वीडियो लगातार कल से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा मारपीट करते हुए दरिंदगी की हद पार कर दी गई है, जिसको लेकर लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। वहीं पुलिस एवं कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। घटना के अनुसार अजीत विश्वकर्मा अपना ऑटो लेकर सोवापुर ब्रिज के नीचे से जा रहा था, तभी सामने से आती हुई एक्टिवा में दो महिलाएं आ रही थी, जिनके एक्टिवा में ऑटो की टक्कर लग गई, जिससे दोनों महिलाएं गिर गई थी। उसी समय पीछे से लाल रंग की फोर व्हीलर आई, जिसमें दो लोगों ने उतरकर ऑटो वाले के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे तथा उसके ऑटो में लोड लोहे की सेंटिंग उठाकर पूरी तरह से उसके साथ मारपीट की। यह वीडियो वायरल होते ही इस घटना की चर्चा जोरों से होने लगी और प्रमुख मीडिया हाउस ने भी इस खबर को हाथों हाथ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस फौरन हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पकड़ लिया गया। वहीं दो आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसे पुलिस लगातार तलाश कर रही है। देखिए न्यूज रूम की एक खास खबर। हम अपना काम पे गए थे सवेरे, वहाँ अपने प्लाट की सेंटिंग खोले, अपना सामान रखे, 20 प्लेट लेके अपने घर आ रहे थे। वो अचानक मोड़ पे उन लोगों ने टर्न गाड़ी किया, मैं अपने हाथ पे था, वो एकदम से गाड़ी मोड़े, कान में मोबाइल लगाए थे, लेडीज थी दो, पहले उन्होंने मारा, फिर उसके बाद तुरंत में लड़कों को फ़ोन लगा के बुलवाया, लड़कों से पिटवाया को, और लड़के कार से आया, एक बुलेट से आया, वो आके खूब मारे, और बुलेट वाला खूब मारा, पेट ही पेट मारा, और उसके बाद फिर गाड़ी में जानवरों जैसे लाद के ले गए, और फिर आगे जाके फिर रोका के फिर वहाँ साइड लगा के फिर मारे, ले जाके थाने में फेंक दिए। बस वही बात है, जैसे मेरे बच्चे के साथ गति भई है वैसे होना चाहिए। हम बहुत परेशान, मेरा बच्चा आज किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, नहीं कुछ किया, आजकल सबसे प्रेम बना के रखा रहा, आज मेरे बच्चे के साथ क्या घटना भाई। बस मैं यही चाहता हूँ, आज कोई वीडियो नहीं करे होता तो आज मालूम नहीं होता, आज वीडियो चुप्पे साहब कोई हमारा भगवान खड़ा होकर वीडियो कर दिया, आज मेरे को मालूम हो गया, नहीं मेरे बच्चे का तो कहीं मौका नहीं चलता, मैं कहाँ करती, मैं कहाँ मारती, मैं अपनी औलाद को कहाँ पाती। हम ये गति गति से मारे हैं, आज मैं औलाद को हो जाती, मैं औलाद की हो जाती। मंग बने हुए हैं तो गुंडे हैं, एक के साथ आपने इस तरीके से हालत उसकी करे, उसकी तो ने जान बस नहीं निकाली, जान निकाल लेते लहास आती घर में, आखिर तुम उसकी गाड़ी में उसकी लहास ही उठा के लेके जा रहे थे, उसके साथ सर हिसाब बिल्कुल हिसाब उसको मिलना चाहिए, हम चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम मिठाई लाल विश्वकर्मा। कल जो आपके बेटे के साथ घटना हुई तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं, जैसे मारे हैं वैसे ही उसको नतीजा किया जाए, बेरहमी से मारे हैं, अरे हम पा जाना तो हम उनको कुचल डाले, हम अगर ना उनको बहुत दंड मिला, थाने से ना निवा मिला, कहीं से नहीं मिलेगा, हम उनके घर से उजड़वा के मरवाऊंगा। दिव्या विश्वकर्मा सर, आप क्या चाहती हैं आपके पति के साथ जो घटना घट गई? जैसे हमारे पति के साथ हुई उससे ज्यादा उसके साथ गति हो, ये कार्रवाई नहीं होगा, पुलिस नहीं कर पाएगी तो वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी वीडियो आपने देखा होगा, उसमें एक ऑटो चालक है उसके साथ मारपीट करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, इस प्रकार की घटना है, इस पर हमने FIR की है और उन आरोपियों में से जो वीडियो में दिख रहे हैं दो को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है और जो दो अभी फरार हैं उन पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और उन्हें भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। क्या घटनाक्रम यह है कि ऑटो चालक और सामने से आ रही एक्टिवा जिस पर दो महिलाएं सवार थी उनके बीच में एक्सीडेंट हुआ जिसमें महिलाएं घायल हुई, महिलाओं द्वारा फिर फ़ोन किया गया जिसमें फ़ोन करने पर मनोज दुबे, चंदन सिंह गुड़ी और ये सब लोग वहां पर आए और उसके बाद जो घटना हुई वो वीडियो आपने देखा है। आरोपी अभिषेक उर्फ गुड़ी और चंदन सिंह दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, चंदन सिंह पर लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध हैं और गुड़ी पर 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, पूर्व से ही इनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति रही है। यही दो लोग अभी फरार हैं?